नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। UPTET और नई शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी की ये 10वीं वीडियो है। इसके पहले हमने आर्टिकल्स और नाउन पढ़ लिया है। प्रोनाउन भी लगभग कंप्लीट कर लिया है। एक रिलेटिव प्रोनाउन भी बचा हुआ है इस वीडियो में। आज हम उसे भी कवर कर लेंगे। रिलेटिव जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संबंध बताने वाला प्रोनाउन। बेसिकली इसकी ज़रूरत कब पड़ी, क्यों पड़ी, ये समझ लीजिए। दो वाक्य लिखे हुए हैं और दोनों वाक्यों में आपस में कोई संबंध है। जैसे मैंने एक गेंद ली है, ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पास एक गेंद है। और उसके बाद दूसरा मैंने वाक्य कहा कि यह गेंद आपकी है, ठीक है, या यह गेंद राम की है, ठीक है। तो मेरे हाथ में वही गेंद है जो राम की है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं। मेरे पास एक कुत्ता है, कुत्ता काला है, ठीक है। मैंने एक वाक्य बोला कि मेरे पास एक कुत्ता है और दूसरा वाक्य बोला कि कुत्ता काला है। तो यहाँ भी उसी कुत्ते की बात हो रही है जो मेरे पास है, वही कुत्ता काला है। तो दोनों वाक्य एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। और इन्हीं को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ए रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू सम नाउन या प्रोनाउन गोइंग बिफोर, ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध वो वाक्य के अगले हिस्से में जो सेंटेंस है उस ग्रुप से, जो वर्ड्स का ग्रुप है उससे करते हैं, ठीक है। अभी आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जो हु एक शब्द जैसे मैंने कह दिया, हु का मतलब आपने पढ़ा होगा कौन। तो हु का मतलब अगर प्रश्न पूछने की बात होती है तो हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर हु का मतलब जो हो जाए, और कोई अगर एक वाक्य लिखा हो जिसमें हु लिखने के बावजूद वो प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में नहीं लगा है, तो आपको ये समझ जाना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ना कि प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, हु गया, विच मतलब कौन सी होता है, विच मतलब जो भी होता है, जो वाली, ठीक है। हुज मतलब होता है किसके, हुज जैसे हुज फादर, किसके पिता। तो हुज मतलब होता है जिसके भी, यानी जिसके पिता, यानी किसके पिता, जिसके पिता। तो जब कौन, तो वो जो बन जाएगा, हुज यानी किसका, तो जिसका भी बन जाएगा। तो ये एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं और ये दोनों अलग अलग जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है हु के बाद, तो इसका मतलब आप समझिए कि उस वाक्य में हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन अगर वो दो वाक्यों के बीच में अगर प्रयुक्त हो रहा है और उसके साथ कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग रहा है, तो ऐसे में हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन मान सकते हैं, ठीक है। जैसे एक वाक्य मैंने आपके सामने रखा है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द टॉय, यह एक खिलौना है, कोई खिलौना है। यहाँ पर द टॉय है, परिचित हूँ खिलौने से। द टॉय वॉज गिवन टू मी, यही खिलौना मुझे दिया गया। ये वही खिलौना है, यह एक खिलौना है, यह खिलौना है और ये खिलौना मुझे दिया गया है। कौन सा खिलौना मुझे दिया गया है, जो खिलौना मेरे पास है, ठीक है। अब मैं इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा हूँ। जोड़ते समय कहूँगा दिस इज़ द टॉय, या वही खिलौना है, दैट वॉज गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया है। तो मैंने क्या किया, इस वाक्य में जो ऊपर लिखे दो वाक्य हैं इनको जोड़कर एक वाक्य, सिंगल वाक्य मैंने बना दिया है। और यहाँ पर द टॉय की जगह पर मैंने द कर दिया है, दैट कर दिया है। तो दैट क्या कर रहा है, दैट मतलब होता है जो, जो मतलब कौन, इसके ठीक पहले आने वाला नाउन। इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, जो ठीक पहले आने वाला नाउन होता है। ये जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि यह अपने ठीक पहले आने वाले नाउन का संबंध दूसरे वाले वाक्य से बता करता है। दूसरे वाले वाक्य में भी यही ट्वाय या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट है तो दैट का प्रयोग करिए आप, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। क्योंकि यहाँ जो अभी दिखा रहा है, यही ट्वाय वाज गिवन टू मी, देखिए यहाँ पर ट्वाय वही ट्वाय है। तो ये क्या है कि नाउन को रिपीट नहीं करना, ये बात मैंने आपको नाउन की प्रोनाउन पढ़ाते समय पहले दिन ही बताई थी कि बार बार नाउन को न रिपीट करना पड़े, इसीलिए प्रोनाउन बना है। और यही काम ये रिलेटिव प्रोनाउन भी कर रहा है। ऐसे में यहाँ हमको देखना है कि दैट के प्रयोग के बाद इस नाउन को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ गिने चुने हैं, जैसे मैंने आपको बताया हु मतलब कौन और इसका मतलब जो भी होता है। तो हु को आप रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, विच को कहेंगे, दैट को कहेंगे, ठीक है, और हुज को करेंगे, जिस मतलब इनका मतलब जब प्रश्न सूचक शब्द ना होकर जिसका, जिसे इस प्रकार का सेंस देने लग जाए। ऐसे मैंने आपके सामने कुछ रिलेटिव प्रोनाउन रखे हैं, ठीक है। यानी कि आपसे परीक्षा में पूछा गया कि बताओ हु क्या है,
एक वाक्य के आधार पर, मैं अभी वाक्य पर आके डिस्कशन करूंगा, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आप जब ये पढ़े रहेंगे या वीडियो देखे रहेंगे तभी आप उसको क्लियरली आंसर दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर गिने चुने मैंने लिख दिए हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए, ठीक है। यहाँ हु का अर्थ अगर जो निकलेगा तो विच का अर्थ भी जो। अब इन दोनों में अंतर भी है। हु का प्रयोग ज़्यादातर मनुष्य के लिए किया जाता है, जानवरों के लिए, बड़े जानवरों के लिए हु का प्रयोग कर सकते हैं। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए ज़्यादातर किया जाता है। जैसे वो किताब जो वहाँ रखी है, ठीक है, तो वहाँ पर जो के लिए हम विच का प्रयोग करेंगे, और वह व्यक्ति जो वहाँ खड़ा है तो उसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति है। आगे एग्जाम्पल फरमाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। यहाँ पर इस वाक्य में दो वाक्य पहले रहा होगा। पहला द बॉय इज प्लेइंग, ठीक है, लड़का खेल रहा है, और दूसरा वाक्य है द बॉय इज माई फ्रेंड, वो लड़का मेरा दोस्त है, ठीक है, दो वाक्य है। अब ये बात यहाँ पर कनेक्ट कर दी गई कि वो लड़का जो खेल रहा है इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, मतलब कि इस लड़के का संबंध दूसरे वाक्य से भी कर दिया जा रहा है। द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है, और द बॉय इज प्लेइंग, वो लड़का खेल रहा है। तो क्या कर रहे हैं भाई, एक ही ना उनको दो बार ना बोलना पड़े, उसकी जगह पर आप हु या विच को रख रहे हैं। अब देखिए, द चेयर विच आर ब्रोकन, वे कुर्सियाँ जो टूटी हैं आर माइन। तो इस वाक्य में दो वाक्य पहले से हैं, द चेयर्स आर माइन, ये कुर्सियाँ मेरी हैं, और दूसरा वाक्य है द चेयर्स आर ब्रोकन, यानी कि एक ही कुर्सी है यहाँ पर, मतलब मेरे कहने का मतलब एक ही सब्जेक्ट है, एक ही नाउन है यहाँ पर, द चेयर्स, वही दोनों जगह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द चेयर्स आर ब्रोकन, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, द चेयर्स आर माइन, कुर्सियाँ मेरी हैं, और इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है विच, विच मतलब जो कुर्सियाँ टूटी हैं वही कुर्सियाँ मेरी हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर विच है। विच निर्जीव के लिए लगाया जाता है, हु जनरली सजीव वस्तुओं के लिए लगाया जाता है। छोटे जानवरों के लिए भी हम विच का प्रयोग करते हैं जहाँ पर जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हु हुम, हुम एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है फ्रेंड, यानी कि इसका अर्थ होता है जिसे, ठीक है, वो लड़का जिसे मार दिया गया, द बॉय हुम आई किल्ड। अब देखिए हुम आई किल्ड, यहाँ पर मैं हुम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है उस लड़के को जिसको मैंने मार डाला, ठीक है, द बॉय हुम आई किल्ड, वो लड़का जिसको मैंने मार डाला, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, उसका मतलब होता है जिसे, ठीक है, याद रखिएगा। तो हु, हुम या हुज का प्रयोग, अब आप कहेंगे सर हुज कहाँ से आ गया, इसके मतलब बताइए, तो हुज का मतलब होता है जिसे, जैसे वह लड़का जिसके कपड़े गंदे हैं, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मैं मुझे ये कहना चाहिए कि लड़का मेरा दोस्त है, वह लड़का मेरा दोस्त है, एक वाक्य। दूसरा, वह लड़के, उस लड़के के कपड़े गंदे हैं, उस लड़के के, यानी कि अधिकार दिखाया जा रहा है, तो जब अधिकार दिखाया जाता है तो हुज का प्रयोग होता है, ये पॉजिटिव केस होता है, ठीक है। तो द बॉय हुज क्लोथ्स आर डर्टी, ठीक है, वह लड़का जिसके कपड़े गंदे हैं, तो हुज क्लॉथ्स हो गया। यहाँ पर हुज रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आपके लेवल पर यही पूछा जाएगा कि वो रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, बहुत अगर अधिक से अधिक पूछा जाएगा तो इसको आप इसी तरह से जानेंगे कि जैसे यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, आई अप्लोगाइज टू द बॉय, मैंने उस लड़के से माफ़ी मांग ली हुज ग्लासेस गॉट ब्रोकन, जिसके जो जिसका चश्मा था टूट गया था। तो यहाँ पर हुज ग्लास, यहाँ पर देखिए जिसका चश्मा, यहाँ हुज जब आएगा तो उसके तुरंत बाद एक नाउन भी आएगा, जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है, हुज के तुरंत बाद क्या आए, नाउन आ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, यहाँ पर हुज का प्रयोग हो रहा है, तो हुज का मतलब होता है जिसके, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि हुज हो गया जिसके, हु हो गया जिसे, हुम हो गया जिसको, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, और हुज का प्रयोग जब भी कभी होगा उसके तुरंत बाद नाउन आएगा, उसके तुरंत बाद नाउन आएगा, और ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अपने ठीक पहले आने वाले लड़के का संबंध अगले भाग से करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में है, द साइकिलिस्ट, वो साइकिल चलाने वाला, हु वन द रेस, जो रेस को जीत गया, ट्रेंड हार्ड ऐसे कुछ रहेगा, उसने मतलब बहुत मेहनत किया था, ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए। आगे आते हैं, यहाँ देखिए, द पैंट्स दैट आई बॉट यस्टरडे। अब आप कहेंगे सर दैट का मतलब क्या होता है, तो भाई देखिए दैट का मतलब सब्जेक्ट भी होता है और दैट का मतलब ऑब्जेक्ट भी होता है, दोनों हो सकता है, जैसे दैट इज़ माई पैंट या आई लाइक दैट, तो दैट का प्रयोग एक कर्ता के रूप में भी होता है और एक
कर्म के रूप में भी होता है, और इसका प्रयोग हु के जगह पर भी हो सकता है, यानी कि जहाँ जहाँ भी आप हु का प्रयोग करते हैं, जहाँ भी आप हु का प्रयोग करते हैं उन सभी जगह पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा में आपके क्या करेगा पता है, विच का प्रयोग करेगा किसी मनुष्य के लिए, ठीक है। जैसे लिख देगा द बॉय विच इज देयर, वो लड़का जो वहाँ पर है देयर, तो अब आप इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, अगर आगे इस तरह करेगा तो यहाँ पर विच का प्रयोग गलत है। ये विच रिलेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यह कभी किसी नाउन को, कभी किसी मनुष्य के लिए नहीं प्रयुक्त होता है विच का। तो विच कभी भी आप याद रखिएगा मनुष्य जाति के लिए नहीं लगाया जाएगा, इसके लिए आपको हु का प्रयोग करना है, या फिर आप दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दैट दोनों के लिए लगाया जाता है, याद रखिएगा, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लगाया जाएगा और सजीव वस्तुओं के लिए, सबके साथ दैट लगा सकता है एक सब्जेक्ट के रूप में, ठीक। तो दैट पे ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर अगर परीक्षा में प्रश्न देकर अंडरलाइन कर दिया, इसको पूछा यहाँ पर दैट क्या है, तो आप बताइएगा कि देखिए द पैंट्स आर नॉट गुड, एक वाक्य द पैंट्स आर नॉट गुड, पैंट अच्छे नहीं हैं, और दूसरा वाक्य द पैंट आई बॉट यस्टरडे, पैंट जो कि मैंने कल खरीदे। इन दोनों को जोड़ रहा है दैट, जो शब्द आई बॉट यस्टरडे, मैंने कल पैंट खरीदे और पैंट अच्छे नहीं है, तो कौन से पैंट, जो पैंट मैंने कल खरीदे, तो जो बता रहा है ना दैट, तो दैट का मतलब यहाँ पर जो है, तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पर आपको भरना है आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को खोज रहा हूँ, हु कैन वॉच माई डॉग, जो मेरे कुत्ते की देखभाल करे जब मैं वैकेशन पर जाऊँ। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है, इसका हिंदी खोजिए, मैं किसी की सर्च कर रहा हूँ जो मेरे कुत्ते की देखभाल करते, जो एक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अब आप बताइए जो के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, हु लिखूँ या विच लिखूँ या दैट लिखूँ, तो आप कहेंगे दैट भी लिख सकते हैं और हु भी लिख सकते हैं। जब आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो ये हु दे देगा, विच दे देगा, कोई और प्रश्न सूचक शब्द दे देगा या कुछ और दे देगा, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर हु का प्रयोग ज़्यादा बेहतर होगा। हु का मतलब जो, ठीक है। दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है, वी मेट, हम मिले, ये प्लेस है, जगह की बात है। तो वेयर, जब भी जगह की बात होगी तो वेयर का प्रयोग करिएगा। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और वेयर का ही मतलब होता है जहाँ, तो वेयर मतलब जहाँ, ठीक है। द बेबी, उसके बाद यहाँ पर नैप हैड बीन इंटरप्टेड, यहाँ पर अधिकार आ रहा है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नैप नाउन है, जिसकी यहाँ पर आएगा, वो बच्चा जिसकी नींद को इंटरप्ट किया गया। यहाँ पर हुज के प्रयोग में आपको ध्यान देना है कि हुज के तुरंत बाद नाउन आएगा, क्या आएगा फ्रेंड, नाउन। अगर नाउन तुरंत आ रहा है जैसे नैप नाउन है, तो आप समझिएगा हु का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर हुज का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि हुज के बाद वी आएगा, ये गलत है, हुज के बाद कभी प्रोनाउन ऐसे आ ही नहीं सकता। तो हुज का प्रयोग जब भी करेंगे आप, तो वहाँ पर उसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग अनिवार्य है, बिना नाउन के ये सब प्रयोग ही नहीं हो सकते, हुज हाउ मेनी भी हो गया इसी प्रकार से, ठीक है। माई डॉग, मेरा कुत्ता जिसको मैंने पिछले साल खरीदा था मर गया, भाई कुत्ता खरीदने की एक चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो दैट का प्रयोग दोनों के लिए कर सकते हैं, सब्जेक्ट के लिए रूप में भी, ऑब्जेक्ट उस कुत्ते को जिसको मैंने, यानी कि दैट का मतलब जिसे भी होता है और दैट का मतलब जिसको भी होता है, याद रखिएगा। द मैन, और उसके बाद यहाँ पर आदमी है तो उसके लिए हु का प्रयोग होगा, जो वन द लॉटरी इज आउटसाइड, वो बाहर खड़ा है, ठीक है। अभी इसको दो वाक्य में बांट सकते हैं, द मैन वॉन द लॉटरी, आदमी लॉटरी को जीत गया, ये वाक्य कुछ ऐसे था, ही इज आउटसाइड, वो बाहर खड़ा है, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हु का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। द मैन हु वॉन द लॉटरी इज आउटसाइड, तो ये आपको बेसिकली चार पाँच जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनको आपको याद करके रखना है, और ये देखना है कि अब आप कहेंगे कैसे पहचानेंगे। अब जैसे मैंने लिखा है हु आर यू, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो ये एक प्रश्न सूचक शब्द के रूप में दिख रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्या फ्रेंड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर जो है क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर अगर प्रश्न सूचक शब्द लग गया तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और अगर फुल स्टॉप लग रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, समझ में बात। तो ये आज का रिलेटिव प्रोनाउन है, आगे हम फिर कल वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें एक्सरसाइज कराएंगे। देखिए मैंने तीन वीडियो लगभग अपलोड कर दिए, सॉरी तीन चैप्टर्स लगभग कवर कर लिए हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रयास किया गया है कि ये नोट जो आपको अवेलेबल कराया गया है शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर ही पहले बनाया गया है, और यूपीटेट को भी ध्यान में रखकर, तो दोनों चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यूज़ आएंगे तो अपना मनोबल बढ़ता है। इस वीडियो का एम है कम से कम 1000 लोग देखें, कम से कम 100 लोग लाइक करें, हालांकि ये मैं बार बार कहता हूँ कि इतने लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कभी ना कभी आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और अच्छे संख्या में लोग इससे फ़ायदा उठा पाएंगे।
तो उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स तक जरूर से पहुँचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल प्रोनाउन की प्रैक्टिस के साथ। और अगर कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसका सलूशन जरूर बताएंगे। गुड बाय।